दोस्तों, इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे सैनडिस्क की SSD हार्ड डिस्क की। तो इसको मैं आपको ओपन करके बताऊंगा इसमें आपको क्या कुछ मिलता है। मैंने इसको 20 सितंबर 2023 को बाय किया था और इसका 7,000 प्राइस मुझे मिला था। अमेजोन से मैंने इसको बाय किया था और आपको जो भी ऑफ़र चल रहा है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। जो इस पर वैसे ऑफिशियल रेट लिखा है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो इसका प्राइस लिखा हुआ है वो लिखा है 20,000 रुपये। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए 20,500 लिखा है। लेकिन आपको डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं, इतना प्राइस तो आपको कहीं भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉप से भी लेंगे तो इसे सस्ता ही मिल जाएगा आपको। और अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं आपको इसमें क्या कुछ मिलता है। ये देखिए, बॉक्स में और कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखने में मुझे, जब मैंने बाय किया था, मुझे बड़ा लग रहा था, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे ये कितना आता है, तो बहुत ही ये छोटा सा है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। और इसके ऊपर एक रैप लगा है, इसको निकाल देते हैं। ये प्लास्टिक की इसकी बॉडी है और इसको आप कहीं, अगर आपका गिर गुर जाता है ना, तो कुछ भी इसमें जल्दी होगा नहीं। और ये यहाँ पे रबड़ का लगा हुआ है एक, इसको हुक करने के लिए। और यहाँ पे आपको जो पोर्ट मिलती है वो आपको यहाँ पे Type-C मिलती है, और इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता किसी की तरफ। इसको रख देते हैं साइड में। एक आपको यहाँ पे गाइड मिलती है सेफ्टी आपको यूज़, एक आपको केबल मिलती है। केबल आपको कौन सी मिलती है वो भी देख लेते हैं हम इसको ओपन करके। ओके, आपको एक तरफ से Type-C मिलेगी जो आपकी हार्ड डिस्क में लग जाएगी, और दूसरी तरफ से आपको माइक्रो मिलेगी जो आप अपने PC में लगा सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आपको Type-C to Type-C भी ले सकते हैं, जो आप अपने मैकबुक में या फिर अपने लैपटॉप में, आप कहीं भी विंडो में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम कंप्यूटर में अटैच करके मैं आपको रियल इसकी मेमोरी बताऊंगा ये कितनी है। ये 1 TB की मैंने बाई की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 TB की मैंने बाई की है। इसकी जो स्पीड है ना, वो ट्रांसफ़र, डाटा ट्रांसफ़र की, तो वो रीड राइट की इसकी स्पीड है जो, वो 520 की है। और इसमें 300 रुपया और एक्स्ट्रा दे के मुझे 800 MB कुछ मिल रहा था उसका स्पीड। लेकिन मतलब नहीं बनता है, क्योंकि कंप्यूटर इतना कंपेटिबल नहीं है कि इतना वो डाटा ट्रांसफ़र कर सके इतनी स्पीड से। तो ये मेरे लिए बहुत है, आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और एक्चुअल में ये कितनी हमें GB मिलती है, इसमें हम, मैं कंप्यूटर में अटैच करके आपको दिखाता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ये देखिए दोस्तों, हम इसको इस कंप्यूटर में अटैच कर रहे हैं और देखते हैं हमें कितने GB का क्या कुछ मिलता है। इसमें कोई भी लाइट वगैरह ब्लिंक नहीं करती है, वो हम देख ले जाते हैं। और अब चलिए PC की स्क्रीन पे चलते हैं और इसको चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ चुका है, ये देख सकते हैं अब यहाँ पे पोर्टेबल SSD है। तो इसकी जो आपको स्पेस मिलेगी ना, वो 931 GB की आपको इसमें स्पेस मिलेगी। और जैसे हम टोटल 1 TB बोल देते हैं, और कोई भी पेन ड्राइव 2 GB की पेन ड्राइव होती है तो 2 GB उसमें होता नहीं है, इसीलिए इसमें भी थोड़ा कम रहेगा। ये देख सकते हैं आप, 931 GB आपको इसमें मिलेगा। मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ आपको, फर्स्ट टाइम इसमें कोई फाइल वगैरह मिलती है अटैच करने पर या नहीं मिलती है, तो पूरा मैं आपको इसका डिटेल में दिखा देता हूँ एक बार। पहले तो हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाके देखेंगे इसमें हमें क्या इसका डेटा शो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये X फॉर्मेट में है, और इसकी जो कैपेसिटी है ये आप देख सकते हैं, ये यूज्ड हो चुका है 22 MB की। इसमें कुछ कोई फाइल उन्होंने हमें डाल के दी है, और 931 GB इसमें अभी फ्री स्पेस है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं इसमें हमें क्या इन्होंने फाइल डाल के दी है पहले से ही। ये देखिए, इसको ओपन करने में हमें ये कुछ मिल जाता है इसके अंदर, और ये इसके ड्राइवर वगैरह हैं। और ये हम ना इंस्टॉल कर लेंगे तो इसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप इस पर लॉक वगैरह लगा सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर इसको पिक नहीं कर रहा है तो इस ड्राइवर्स को आप अपने PC में डाल लें पहले, तो आपको जो पिक करने लग जाएगा हार्ड डिस्क को, और इससे आप लॉक भी लगा सकते हैं। आपको इंटरनेट कनेक्शन देना पड़ेगा कंप्यूटर को, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।